इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में जहाँ पर तहरीके इंसाफ ने अपना पावर शो किया है आज और इकट्ठा तो कर लिया लेकिन तहरीक के हवाले से, से तो पिंडालमजा हमजा और इसके साथ जो है तहरीक इंसाफ के वकील जो है इश्तियाक अहमद खान साहब यहाँ पर वक्त पर पहुंच गए थे लेकिन उसके साथ बकाया क्यादत जो है फिलवत उसके बारे में अगर बात करें तो अली अमीन गंडापुर साहब जो कि के पी के काफले लेकर आने वाले थे अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे और इस वक्त जो है तकरीबन ाम के साढ़े छः सात बजे का टाइम हो चुका है और पिंडाल की जो लाइटें हैं वो बंद कर दी गई हैं यानी कि जलसे को एक तरफ से जो पांच साढ़े पांच बजे का टाइम था वो टाइम खत्म हो गया और वहाँ जो है वापसी का रास्ता ले रही है इस वक्त मेरे अकम में आप पिंडाल की हालत देख रहे हैं जो मीडिया वाले हैं वो तकरीबन पैकिंग कर रहे हैं और जो पिंडाल की हालत है ऑलमोस्ट जो है लोग बैठे हैं बस वापसी का रास्ता है और इस वक्त स्टेज की लाइटिंग बिल्कुल बंद है और इसके साथ साथ लोगों ने जो है वो मेरे उस उस पार जो है वो रिंग रोड नजर आ रहा है और रिंग रोड तक जो वहाँ वो यहाँ पर इकट्ठा थी बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर तो इजाजत बड़ी तय और तकरीबन कुर्सियों की, की तिदाद जो है वो दस थी। लेकिन आवाम के बारे में अगर बात तो यकी तौर पर दस हजार से ज्यादा थी आवाम बड़ी जोशो खरो से यहाँ पर शामिल हुए जलसे में और नारेबाजी नारेबाजी बड़े अच्छे अंदाज से की गई और बाकायदा तौर पर कहा जाए तो पावर शो है जो पावर शो मंजर पेश किया लेकिन के जो इंतजाम के हवाले से बात करें तो इंतजाम में कुछ कमी नजर आई और जो है अली अमीन घंडापुर साहब अभी तक जो है के पी के से यहाँ पर पंडाल में नहीं पहुंच सके जलसे में यानी कि अभी तक उनकी कोई शिरकत नहीं है और इस हवाले से अगर देखें तो पंडाल की तमाम तर लाइटें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और लाइटें बंद होने के बाद जो कारकुनान हैं कुछ हद है तक जो है नर जो वापसी का रास्ता ले रहे हैं और तकरीबन कुछ हद तक जो है कारकुनान वापस जा भी चुके हैं और कुछ यहाँ पर इस वक्त पंडाल में मौजूद हैं और कुछ देखा जाए अगर तो पैकिंग जो है दोबारा से पैकिंग का सिलसिला शुरू है और लाइटिंग मुकम्मल तौर पर बंद है लोग यहाँ से निकलने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट यूज़ करें लेकिन कारकुनान पुरजोश नज़र आते हैं इस वक्त की अब तक की सूरत यही आगे क्या होता है उस हवाले से मजीद आपको अपडेट करें।